हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिज्नी कंपनी के ओनर वॉल्ट डिज्नी की स्टोरी के बारे में। सो होप यू गाइस एंजॉय इट। सो पहले हम बात करें वॉल्ट डिज्नी के बारे में। उनका जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1901 इन शिकागो। ही वॉज फोर्थ सन विद 5 सिबलिंग्स। वॉल्ट डिज्नी बचपन से ही एक बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते थे, जो वह कभी बन ना पाए। एट द एज ऑफ 19 उन्होंने अपनी एक खुद की कार्टून कंपनी स्टार्ट की, पर उनका एक भी कार्टून नहीं बिका। उसके बाद उनके पास खाने और किराए के पैसे भी नहीं बचे थे, तो वह अपने दोस्त के घर रहते थे। टिल द एज ऑफ 22 उनके पास खाने के पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम किया, पर वह वहां से भी निकाल दिए गए, क्योंकि उस न्यूज़पेपर एडिटर को ऐसा लगता था कि वॉल्ट एक क्रिएटिव थिंकर नहीं है। एट द एज ऑफ 25 उन्होंने अपने गैराज को एक स्टूडियो में तब्दील कर लिया। फिर 5 साल के बाद उन्हें अपना फर्स्ट सक्सेस मिला एलिस इन कार्टून लैंड कार्टून के लिए। बट दिस वॉज नॉट अ बिग सक्सेस। इन 1928 ऑस्वाल्ड द रॉबिट की टीम ने उनका साथ छोड़ दिया था। एक बार वॉल्ट ट्रेन में सफर कर रहे थे और उनके कार्टून क्रिएशन के शौक के चलते उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया और वो कैरेक्टर था मिक्की माउस। फिर जैसे ही वो कैरेक्टर लॉन्च हुआ, उसके बारे में पिक्चर्स आई, सो वॉल्ट डिज्नी बहुत फेमस हो गए थे। आज उनकी फिल्में देखना हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।